होते रह गए। अभी देखिए कितना तेज धूप निकला है, एकदम एक इधर उड़ा है, एक उधर उड़ा है, एक उधर उड़ा है। तो दुल्हनिया गाड़ी से उतरी लोग ऐसा। राधे राधे, आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं अभी सो करके जागा हूँ और 9 बजे टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे ड्यूटी नहीं जाना था तो मैं अलार्म नहीं लगाया था अपने फोन में। तो मेरी नींद खुली अभी 8:50 में, मैं देखा मुझे, अरे बाप रे बाप, इतना लेट हो गया। धूप देखिए ना, मतलब जब धूप निकल जाता है तब नींद खुलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या करूँ, सोए रह के पता ही नहीं चला। ये एसी चल रहा था, रूम बंद था, पता ही नहीं चला, ठंडा ठंडा मौसम में मजे से सोते रह गए। अभी देखिए कितना तेज धूप निकला है, एकदम ऐसा चिलचिलाता धूप निकला है कि आदमी एकदम चुनराज है ऐसा। तो अभी जा करके दोस्तों, सबसे पहले मैं फटाफट क्या किया हूँ, ये अपना नाश्ता ला करके रख दिया हूँ, क्योंकि नाश्ता यहाँ पे 9 बजे तक ही मिलता है तो ख़त्म हो जाएगा नाश्ता, इसलिए नाश्ता ला करके रख दिया हूँ, पराठा और दही। और चलते हैं अभी, अब अपनी छत पर से कपड़ा ले आते हैं जो कपड़ा कल डाले थे हम शाम में धुल करके, और उसके बाद नहा धोवा कर पूजा पाठ करके अच्छे से नाश्ता वास्ता करते हैं और आज का प्यारा ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे 20 शिफ्ट में आज से ड्यूटी जाना है दोस्तों। रोज़ ए में जाते थे तो दिक्कत नहीं होती थी, सुबह उठ जाते थे, लेकिन अब बी में जाना है तो थोड़ा दिक्कत हुआ आज, लेकिन कल से अपना रूटीन सेट करूंगा, जैसे हर रोज़ सुबह उठता हूं वैसे उठूंगा। तो चलिए फिलहाल अपना ये कार्य करता हूं और कार्य करने के बाद मुलाकात करता हूं और फिर मस्ती मजाक करते हैं अपन लोग। फाइनली दोस्तों, मेरा तो पूजा पाठ हो गया है, अब नाश्ता पानी करने के लिए बचा है, तो फिलहाल चलते हैं छत पे, कपड़ा लेकर के आते हैं। मेरा कपड़ा डाला हुआ कल से, पता नहीं कौन कौन सा उड़ गया है, कौन कौन सा इधर है, और ये चड्डी बड्डी है इसको भी डाल देते हैं मिले जा करके। अब चलिए आते हैं छत पर से आप लोगों को घुमा करके। मेरी विनती यही है घराने, तो देखिए दोस्तों कैसे हमारा कपड़ा उड़ा पड़ा है, एक इधर उड़ा है, एक उधर उड़ा है, एक उधर उड़ा है, दो टंगा है, एक उड़ा है, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ पड़ा है, बताइए। तो चलिए पहले अपना कपड़ा उठा ले, सब चुन ले, बीन ले। तो फाइनली दोस्तों मैं अपना सारा काम निपटा लिया हूँ, और देखिए मैं अपने कपड़े का आयरन कैसे करता हूँ। इधर देखिए ये कपड़ा समेट करके तकिए के नीचे ऐसे रख दो, सो जाओ, उस पर कपड़ा का आयरन हो जाएगा। और ये मैच का हाईलाइट चल रहा है दोस्तों, तो वो देख रहा हूँ, और 2 बजे मुझे ड्यूटी जाना है, तो फिलहाल अभी कुछ देर आराम कर लूँ, अपना ब्लॉग ब्लॉग एडिटिंग कर लूँ, और मिलता हूँ आप लोगों से 2 बजे ड्यूटी जाने के टाइम में, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली दोस्तों मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है और मैं सो करके जाग गया हूँ, मैं सो गया था घेरे नींद में, करके सो करके जागा हूँ दोस्तों। टाइम हो चुका है, अब ऐसा टाइम रहता है ड्यूटी जाने का, क्या बताऊँ, 2 बजे एकदम चिलचिलाता धूप, चमक चप चमक चमकता धूप रहता है। तो चलते हैं फिलहाल खाना खाते हैं, और खाना खा करके आ करके कपड़ा वोशाफा पहनते हैं और निकलते हैं अपने साइड पे काम करने के लिए। और जो मैं तकिए वाला आयरन दिखाया था ना आप लोगों को, वो देखिए कितना जबरदस्त आयरन होता है, देखिए ये देखिए हो गया ना आयरन। क्या जरूरी है आयरन में पैसा खर्चा करना, कि ऐसा ऐसा घिसो भी, मेहनत भी करो, बिजली बिल भी लगेगा, उससे अच्छा है कि तकिए के नीचे दबा के सो जाओ, मस्त आयरन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी तैयारी हो चुकी है और हम निकलते हैं अपना ड्यूटी करने के लिए। और देखिए आज हम अपना जूता कैसे चमचमा दिए एकदम बढ़िया लाजवाब। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब रात में 12 बजे। मैं तो अभी ड्यूटी करके आ गया हूँ, इधर हमारा मुंबई इंडियंस भी हार चुका है, लौंडा बहुत दिन से फॉर्म से जूझ रहा था, ये टेस्ट में मारा था शतक, उसके बाद बेचारा से शतक वतक लग नहीं रहा था, चौका मार के जीत लिया मैच राजस्थान रॉयल्स ने। और राजस्थान रॉयल्स कितना ट्रस्ट दिखाया है इसको, सोचिए मैच में चल नहीं रहा था फिर भी इसको कंटिन्यू खिलाया जा रहा था। बाय बाय टाटा मुंबई, या तुम्हारी जाने की बारी आ रही है, तो चलिए फिलहाल कपड़ा चेंज कर लू। अभी मैं गया था नीचे शादी देखने, और मैं दुल्हा को भी देखा है, दुल्हनिया को भी देखा है, तो नहीं देखा ना अभी दुल्हनिया गाड़ी से उतरी, मैं गया चाचा का बाइक देखने, तो दुल्हनिया गाड़ी से उतरी, लोग ऐसा चादर लगा के ले जा रहे, तो पर चादर नहीं चुनरी लगा के 60 बॉल में 104 रन मारा है भाई, और 12 बज चुका है दोस्तों। तो चलते हैं आराम से, आराम करते हैं, मुझे तो भूख लगी थी लेकिन पानी पी करके पेट भर लिया हूँ। नीचे तो शादी वादी चल रहा है, ये सोच रहा हूँ सच सवर के जाऊँ, तब तक तो ज्यादा ही लेट हो जाएगा, और कहीं डीजे वजे बजते रहेगा तो नाचना उचना भी पड़ जाएगा, इसीलिए प्लान कैंसिल कर दिया और पानी पी के सो रहे हैं। और मिलते हैं आप लोगों से अब कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं सोने, बाय बाय टाटा, गुड नाइट, राधे राधे।